वो कभी नहीं चाहते कि यहाँ का मूल निवासी या SC या VC या OBC सत्ता में आए। आज हमारे समाज के पास में पढ़े लिखे लोग हैं, जब तो अनपढ़ लोग थे, कि ये गुलाम पैदा कर रहे हैं और शासक खुद बने रहना चाहते हैं। कि पार्टी खत्म हो चुकी है, पार्टी कहीं खत्म नहीं हुई है, लेकिन लोगों ने साइकिल पर चल चल कर मूवमेंट खड़ा कर दिया। लेकिन आज हमारे पास गाड़ी घोड़ा, हम अच्छे वेल एजुकेटेड आदमी है, लेकिन हम मूवमेंट खड़ा नहीं कर पा रहे। जितने भी त्यौहार इन्होंने बनाए हैं केवल अपने फायदे के लिए बनाए हैं, सूत्रों के फायदे के लिए कोई त्यौहार नहीं बनाया गया। मेरे को पद पर नहीं बैठाया, मुझे पैसा नहीं मिला, तो मैं अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट के लिए समाज को बलिदान कर रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्टिव इंडिया और इस समय मैं मेरठ में हूँ और यहाँ पर राष्ट्रीय बाद महा सम्मेलन चल रहा है। इस ऐतिहासिक ग्राउंड में हूँ, आपको बता दूँ मैं यहाँ पर वैशाली मैदान में मैं इस समय हूँ और यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 1953 में यहाँ पर आए थे। ऐसे में तमाम लोग हैं मेरे साथ, वो लोग हैं जो बहुजन समाज के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाए। क्या कहेंगे सर, BSP बहुजन समाज की पार्टी है लेकिन आज विलुप्त होती हुई नज़र आ रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? पहले तो मैं बता देता हूँ, मैं मुन्ना लाल एडवोकेट मुरादाबाद से अपनी टीम के साथ यहाँ पर आया हूँ और बहन जी के पार्टी का सवाल है। बहन जी की पार्टी BSP पार्टी, ये लोगों का नज़रिया है देखने का कि लुप्त होती जा रही है, मगर BSP पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और हमारा मिशन, बाबा साहब का मिशन, काशीराम का मिशन, मायावती बहन जी का मिशन ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि BSP पार्टी ये कोई पार्टी नहीं है, ये मिशन है, ये बाबा साहब का मिशन है, काशीराम जी का मिशन है, ये हमारे जो तमाम महापुरुष हुए हैं, चाहे वो कबीरदास हों, रविदास हों, भगवान बुद्ध हों, ये उनका मिशन है। और जब तक ये इस मिशन के अंदर बाबा साहब का एक एक सिपाही रहेगा, तब तक बहुजन समाज पार्टी कभी ख़त्म नहीं होने वाली। जी क्या कहेंगे, लगातार आरोप लगा रहे हैं, 10 सांसद हैं BSP के, सपा को देखे तो उसके 3 से 4 हैं सांसद, लेकिन इस तरीके से पूरा प्रोपेगेंडा पूरे देश में बनाया जा रहा है कि BSP अब ख़त्म हो गई है, BSP का तो कुछ है ही, बचा ही नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस और भाजपा का ये मिशन है कि हमारे समाज को पीछे धकेला जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चार बार बहन जी ने शासन किया और प्रदेश को एक चमकता हुआ प्रदेश बनाया। यदि बहन जी दोबारा यहाँ सत्ता में आती तो प्रदेश बहुत आगे पहुँच चुका होता। जान पूछ करके मनवादियों ने पत्थर का खेल खेल करके बहन जी को पीछे धकेल दिया। हमारे ही समाज के जो अन्य जातियाँ हैं जिनके सहयोग से बहन जी सत्ता में आई थी, उन लोगों को इन लोगों ने बरगला रखा है और केवल 5 किलो गेहूँ और 2000 रुपये किसान की झोली में, और ये कॉलोनी ये फ्री में दे दे करके लोगों को जो गुलाम बना रहे हैं। हमारे लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि इनका मिशन है गुलाम बनाना, ये मध्यम वर्ग को ख़त्म करना चाहते हैं और केवल ये शासक और गुलाम बनाना चाहते हैं। इसी पर भाजपा वाले कार्य कर रहे हैं, इसलिए लोगों को लग रहा है जो ये बात कह रहे हैं, ऐसा है नहीं, ये मिशन समाप्त होने वाला नहीं है, मिशन खत्म होने वाला नहीं है, ये चलता रहेगा। लेकिन इन लोगों ने हमारे कुछ भोले भाले लोगों को बरगला करके ये चिल्ला करके कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो जाएगी, बहुजन समाज पार्टी खत्म हो जाएगी, इस तरह से प्रोपेगेंडा फैला रखा है। बहुजन समाज पार्टी खत्म होने वाली नहीं है, लोगों की फिर समझ में आएगी और एकजुट होंगे, क्योंकि वो अच्छी तरह से हमारे लोग जानते हैं कि ये गुलाम पैदा कर रहे हैं और शासक खुद बने रहना चाहते हैं, ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। लगातार आरोप भी लगते रहे हैं BSP की एक जाति की पार्टी बनकर रह गई है, तमाम और जातियाँ हैं बहुजन की, उनको उस तरीके के भागीदारी का मौका नहीं मिल रहा है, क्या कहेंगे इसके लिए? सर ये जो दूसरे लोग हैं, जो मनुवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो कभी नहीं चाहते कि यहाँ का मूल निवासी या SC या VC या OBC सत्ता में आए। वो तरह तरह के प्रोपोगंडा समाज के बीच में फैलाते रहते हैं कि BSP पार्टी सिर्फ जाटवों की पार्टी है, चमारों की पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। जब मायावती बहन जी की सरकार यहाँ पर रही तो उसमें जो है तमाम बैकवर्ड के सैनी समाज के दर्जनों मंत्री थे और जो है वो जो है मुस्लिम समाज के नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे, जिनके पास दस दस दस
दस दस मंत्रालय थे, तो और जो है यह ब्राह्मण समाज के उपाध्याय जैसे वो मंत्री थे, तो ये आप कैसे कह सकते हो कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ जाट बोगी पार्टी है? ये चमार, अरे बहुजनों में और भी तो दलित जातियां हैं, बहुजनों में और दलित जातियां, धानु का है, कोरी है, इन सबको कहाँ भागीदारी? सभी को भागीदारी मिली। ये जो है एससी में जो लोग दिवाकर समाज के लोग हैं, ये जो है और तमाम तंजे वाल्मीकि जाति भी है, वाल्मीकि जाति आजकल बीजेपी की भक्त बनी हुई है। वाल्मीकि समाज का इतना जो है कल्याण करा है कि कोई भी पार्टी, मुझे पता है सफाई कर्मचारी की तमाम नौकरियां बहन जी ने दी हैं, लेकिन वाल्मीकि जाति बीजेपी की पिछलग्गू क्यों बनी हुई है, जबकि उसकी खुद की पार्टी बीएसपी है? ये वाल्मीकि समाज की समझ में आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, वो हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, मगर अभी वो उनको जो है बीजेपी वाले हिंदू बना के गुमराह कर लेते हैं। कारण ये है कि उत्तर प्रदेश में जाटव चमार वर्ग उभर रहा है और ये लोग समझदार हैं, क्योंकि वो लोग हमारी ही कड़ी हैं, ये उनको तोड़ करके हमें कमजोर करना चाहते हैं, इसलिए ये वाल्मीकि भाइयों को बीजेपी से जोड़ रहे हैं। वाल्मीकि बीजेपी से जुड़ा हुआ नहीं है, वाल्मीकि को बीजेपी से जोड़ रहे हैं क्योंकि वो हमें कमजोर करना चाहते हैं, मात्र यही एक कारण है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज टूट जाएगा, बहुजन समाज टूटने वाला नहीं है। लगातार आवाज़ एक उठ रही है पूरे देश में कि 2024 में बहन जी को पीएम बनाना है, तो ये बातें क्या आपको लगता है ये हो पाएगा? क्यों नहीं होगा जी, बताइए क्यों नहीं होगा? जब पार्टी हमारी खड़ी हुई थी बीएसपी, बहन जी ने माननीय काशीराम जी ने साइकिल पे चल चल के पैदल चल चल के पार्टी खड़ी कर ली। आज तो हमारे पास साधन है, आज हमारे समाज के पास में पढ़े लिखे लोग हैं, जब तो अनपढ़ लोग थे, अनपढ़ों को समझाया जाता था, आज तो पढ़े लिखे हैं। अगर मान लीजिए हम सब पढ़े लिखे लोग आज अगर अब इस समाज को और लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं? ये कोई दूर की कौड़ी नहीं है 2024। अगर हम चाहें वोट बैंक आज भी इतना ही है और कल भी इतना ही था, सिर्फ जो है दूसरों को डराने के लिए, बहकाने के लिए, हटाने के लिए किया जा रहा है ये कि पार्टी खत्म हो चुकी है। पार्टी कहीं खत्म नहीं हुई है, पार्टी जो है लोगों की निगाहों में दिख रही है कि खत्म हो चुकी है। लगातार विश्वनाथ पाल जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो उत्तर प्रदेश के बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, गाँव चलो अभियान चल रहा है बीएसपी का, तो कितना असर पड़ने वाला है बीएसपी के लिए? बहन जी का जो मिशन है वो बूथ तक जोड़ने का है और उसी पर बहन जी काम कर रही हैं, इससे लोग जुड़ेंगे और हम लोगों को सफलता मिलेगी। जी, क्या कहना चाहेंगे? गांव चलो अभियान कितना फर्क डालेगा बीएसपी? गांव चलो अभियान से ही बहन जी चार बार मुख्यमंत्री रही हैं। अगर हमारी पार्टी के क्षेत्रीय नेता और जो बड़े नेता हैं अगर वो गांव-गांव जाते हैं, गांव-गांव जाके लोगों को कन्विंस करते हैं, जागरूक करते हैं, तो वो दिन दूर नहीं है जब बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी और हम बहन जी को 2024 में प्रधानमंत्री बना कर रहेंगे। ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये सब जो है मिशनरी लोग हैं, कोई इसमें ऐसे लोग नहीं आए हैं कि जो खाना खाने वाले लोग आए हैं। ये बाबा साहब के मिशन को, भगवान बुद्ध के मिशन को, और जो है कबीरदास के मिशन को, रविदास के मिशन को, ज्योतिबा फुले के मिशन को, ये सब उस मिशन को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। ये कोई किराए वाले नहीं है, ये 500 रुपये वाले, 1000 वाले, तुम्हें 1000 मिलेंगे, ये मिशन के लोग हैं। हमारा एक एक जो यहाँ पे जो कार्यकर्ता है, जो मिशनरी सिपाही है, वो अपनी जान दे देगा बहन जी के लिए काम करने के लिए, और 2024 में उन्हें प्रधानमंत्री जो है बनाने का पूरा। युवा नजर नहीं आ रहा है बीएसपी में, क्या कहेंगे? तमाम बुजुर्ग हैं वो नजर आ रहे हैं, लेकिन यूथ नजर नहीं आ रहा है बीएसपी में, कहां गायब है? ऐसा नहीं है, बीएसपी के लिए जो 85% हमारा समाज है आज SC ST और माइनॉरिटी का, वो दिन रात मतलब ये बीएसपी को मतलब बहन जी को 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री बनाने के लिए अग्रसर है और काफ़ी मतलब प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है गांव-गांव, जो सरकार ने अभी अभियान छेड़ा है हर गांव में, मतलब ये दलित समाज बाहुबली का इंतजार कर रहा है, वो बाहुबली जो लखनऊ में है, जिसकी एक हुंकार से रामलीला मैदान दिल्ली का भर जाएगा, लेकिन वो हुंकार क्यों नहीं होती एडवोकेट साहब? देखो सर, ऐसा है जी, आप किस बाहुबली की बात कर रहे हो पता नहीं हमें, लेकिन हमारी बाहुबली बहन जी है। मैं उन्हीं बहन जी की बात कर रहा हूँ, अगर बाहुबली एक आवाज़ दे तो दिल्ली का रामलीला मैदान भर जाएगा, ये मैदान भर जाएगा, लेकिन वो बाहुबली हुंकार क्यों नहीं भरता है? बाहुबली हुंकार भर रहा है, ठीक है। अब ये बात हमें सोचनी है, जो हम यूथ हैं, जो नई जनरेशन आ रही है, बहन जी ने खुद बोला है कि हमें 50% यूथ भरने हैं,
ठीक है, और यूथ ही इसको संभालेंगे बीएसपी पार्टी को आने वाले फ्यूचर में, ठीक है। और बहन जी का जो एजेंडा गांव चलो अभियान का मतलब ये है, अगर आप देखोगे तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी के और माइनॉरिटी के लोग 90% पीपल्स गाँव में ही रहते हैं। हमारा सारा वोट बैंक पूरा गाँव में है, शहरों में हमारे लोग नहीं है, सिटीज में हमारे लोग नहीं रहते, कोठे में हमारे लोग रहते, हमारे लोग तो गाँव में छोटे छोटे मकानों में रहते हैं, खेतों में काम करते हैं, छोटे ठीले लगाते हैं अपने। तो हमारे जो 90% पीपल है जो वोटर है हमारा गांव में रहता है। तो बहन जी ने जो एजेंडा दिया है कि गांव चलो अभियान, ये सबसे एकदम परफेक्ट एजेंडा दिया है। अगर हम इस पर सही तरह काम करते हैं हम यूथ, बहन जी ने तो डायरेक्शन दे दी, बहन जी अपनी तरफ से 100% काम कर रही है, लेकिन कमी हम जैसे यूथ की है। हम जो है दूसरे लोगों के बहकावे में जल्दी आ जाते हैं, हम बहक जाते हैं, हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग पावर कम है, हम मिशन मूवमेंट को समझ नहीं पा रहे और हम दूसरे को समझा नहीं पा रहे अपने लोगों को। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम यूथ की है, हम सही तरीके से मूवमेंट को समझें, क्योंकि जितने हम पढ़े लिखे समाज हमारा पिछले 10 साल से 15 साल से मूवमेंट जितना बाबा साहब का बढ़ा है और हम अपने आप को पढ़ा लिखा कह रहे हैं, तब से हमारा पॉलिटिकली हम कमज़ोर हो चुके हैं, उतने ही हम पॉलिटिकली कमज़ोर हो चुके हैं। इसको हमें एनालिसिस करना पड़ेगा कि हम पढ़े लिखने के बाद में, जैसे भाई साहब ने थोड़ी देर पहले बोला कि पहले लोग अनपढ़ थे, मूवमेंट पार्टी चार बार मुख्यमंत्री बना पाई अपना, हम लोग हमारे लोगों के पास साधन नहीं थे, लेकिन लोगों ने साइकिल पर चल चल कर मूवमेंट को खड़ा कर दिया, लेकिन आज हमारे पास गाड़ी घोड़ा, हम अच्छे वेल एजुकेटेड आदमी है, लेकिन हम मूवमेंट को खड़ा नहीं कर पा रहे, हम सत्ता में कभी नहीं हो पा रहे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, कमी कहाँ रह जा रही है फिर? कमी हमारे अंदर है भाई, कमी हमारे अंदर है। हम लालची हो गए, हम पद के भूखे हो गए, हम पैसे के भूखे हो गए, हम सम्मान के भूखे हो गए। अगर आपने मेरे भाई ने मुझे कहा था मुझे थोड़ा सम्मान नहीं दिया, मैं कह रहा मेरे को सम्मान नहीं मिला, मेरे को पद पर नहीं बैठाया, मुझे पैसा नहीं मिला, तो मैं अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट के लिए समाज को बलिदान कर रहा हूँ। मेरी नज़र में समाज की कोई इज्जत नहीं, मेरी अपनी इज्जत हो रही है। ये आज के समाज के आज के लोगों का धेय बन गया है हमारे जी। क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे सर, अभी ओबीसी शूद्र शूद्र चिल्लाने लगा है, विधानसभा में आवाज़ उठ रही है शूद्र शूद्र की, तो क्या एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी जिसको दनकिरान कर दिया गया है अब वर्तमान में, तो क्या आप एक होकर बहन जी के नेतृत्व में नहीं आ सकते? और ये बहुत बड़ी चिंगारी लगी हुई है जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने लगाई है, ढोल गमार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी, विप्र पूजिए ज्ञान गुणहीना, शूद्र पूजिए ज्ञान प्रवीणा, ऐसे तमाम जो है रामायण के अंदर दोहे हैं जो अब बैग बढ़ के लोग जागरूक हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। और जो है बैग बर्ड ये समझ रहा है कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश के जो है जितने भी पहले महापुरुष हैं वो हमारे राजा रहे हैं, इसलिए वो जागरूक हो रहे हैं और वो किसी ना किसी दिन हमारे साथ आएंगे, बीएसपी में आएंगे और फिर बीएसपी की सरकार बनेगी और इस देश का प्रदेश का फिर जैसा जो है बहन जी ने 4 सालों में विकास करा है वैसा ही विकास बहन जी फिर करेंगी, ऐसा मेरा मानना है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो चिंगारी अभी चली है, आज हमारे ओबीसी के लोग, बैकवर्ड के लोग ये समझने लगे हैं कि हम शूद्र हैं। आज हमारे लोगों को समझ में आने लगा है कि ये चार बड़े इन्होंने बनाए थे हैं, उसमें गिनती के ही ब्राह्मण हैं, गिनती के ही क्षत्रिय हैं और गिनती के ही ये वैश्य हैं। ये जितने भी कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जितने भी त्यौहार इन्होंने बनाए हैं, केवल अपने फायदे के लिए बनाए हैं। शूद्रों के फायदे के लिए कोई त्यौहार नहीं बनाया गया, शूद्रों को तो फायदे के लिए कोई कार्यक्रम नहीं किया गया है, शूद्र के उत्थान के लिए कोई सरकार योजना अगर लेके भी आती है तो उनको लागू करने वाले ये हैं, ये लागू नहीं करते हैं। आज हमारे लोगों को समझ में आ गया है कि हम शूद्र हैं और सब शूद्र हैं, 85% भारत में शूद्र हैं। जिस दिन ये शूद्र एक स्थान पर एक जगह एकजुट हो जाएंगे उस दिन बहन जी की सरकार होगी या बहुजनों की सरकार होगी। तो बहुजनों की सरकार होगी जिसका सपना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम तमाम बहुजन नायकों ने जिसका ये सपना देखा था कि इस देश में बहुजनों की सरकार होगी, बहुजन प्रधानमंत्री बनेगा। जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, वोट हमारा बहन जी के पास आज भी उतना ही है, कम नहीं हुआ है, मगर जो यहाँ का जो मीडिया है, मैं आपको मतलब आपको नहीं कह सकता, आप एलिगेशन नहीं लगा रहा, मीडिया इतना दलाल हो गया है, इतना बिक गया है, इतना गोदी मीडिया हो गया है कि उसका अपना कोई जमीन नहीं रहेगा। इस वजह से और पार्टियाँ बीएसपी, समाजवादी, कांग्रेस ये सब बैकफुट पे इसलिए जा रही है क्योंकि मीडिया जो है इनका पूरा प्रोपोगंडा चला रहा है, इनका बिल्कुल काम कर रहा है, पार्टी बन के काम कर रहा है, इसलिए और पार्टियां जो है बैकफुट पे जा रही हैं। वोट बैंक बीएसपी का ना कभी कम हुआ है ना कभी कम होगा, जब तक बहन जी हमारी जिंदा हैं
जब तक मेरी गारंटी है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बीएसपी का वोट बैंक बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं हो सकता। तो ये तमाम लोग थे बीएसपी के समर्थक हैं, लगातार आपने देखा होगा तमाम ग्राउंड रिपोर्टों में बस एक ही आवाज़ आ रही है कि 2024 में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है, लेकिन कैसे ये तो ये बहुजन समाज ही जानता है। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्टिस टीवी इंडिया।